हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना डेटाबेस के अंदर से पोस्ट का डाटा जो है वो फेच करवाया था, जिसकी मदद से हम अपनी तमाम पोस्ट का डाटा जो है अब इजीली फेच कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने एक विजिटिंग कार्ड का मैंने क्रिएट किया था, पोस्ट क्रिएट की थी। मैं जैसे इसको एडिट करता हूँ तो आपके सामने इसकी भी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन अब ये अपडेट नहीं हो पाता। हो सकता उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले अपने कोडिंग व्यू में आता हूँ और एडिट पोस्ट के पेज के अंदर जो नीचे हमारा सबमिट का बटन था उसको चेंज करके मैं एडिट में कन्वर्ट करवा देता हूँ या अपडेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अपडेट, ठीक है, इसका नेम अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट पोस्ट, सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आकर जो मैंने इसका सबमिट का नेम चेंज करके मैंने अपडेट रख दिया, तो यहाँ पे लिखता हूँ जब भी कोई अपडेट को आप क्लिक करे तो क्या करो कि टाइम हमें नहीं चाहिए टाइप का वेरिएबल रहने देता हूँ। टाइटल के लिए जो है मैं अब टाइटल का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, टाइटल में नहीं स्टोर करवाना चाह रहा मैं। और ये जो मैंने कमेंट की थी इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर इसको भी अप पोस्ट डाटा में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसका भी यूजर नेम जो है अप के बाद पोस्ट डाटा, ठीक है, और कैटेगरीज के लिए भी सेम वही अप पोस्ट डाटा और टैग्स के लिए भी अप टैग्स। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ अपडेट की, और इमेज के लिए भी अप इमेज यूज़ कर लेता हूँ और टीएमपी के लिए भी अप टीएमपी यूज़ कर लेता हूँ। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ अगर अप टाइटल एम्प्टी होता है या अप पोस्ट एम्प्टी होती है या टैग्स एम्प्टी होते हैं या अप इमेज की एम्प्टी हो सकती है, इसको मैं रख लेता हूँ कि ये एम्प्टी हो सकती है। इसके लिए मैं ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ। उसके मैंने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी मैं ऐड करवाऊंगा इफ। यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ इफ डॉलर अप इफ एम्प्टी है डॉलर अप इमेज, तो फिर क्या करो डॉलर अप इमेज के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दो डॉलर इमेज की, ये वो वैल्यू है जो ऊपर से आ रही है। तो फिर आप यहाँ पर ये भी वैल्यू असाइन करवा सकते हो और एम्प्टी हो डॉलर अप इमेज, ठीक है। और यहाँ पर आकर अब ये हमने फंक्शनैलिटी ऐड करवाई, फिर उसके बाद अब ये क्यूरी जो है फिलहाल इंसर्ट क्यूरी नहीं होगी, यहाँ पे अपडेट क्यूरी चलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो क्यूरी है सारी की सारी को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ तक जो हमारी क्यूरी है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर इसकी मदद से ये क्यूरी चल रही है, लेकिन ये जो पाथ है ये अभी क्रिएट ज़रूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने अपलोड का ये फंक्शन चलाया है ये उस वक्त चलेगा। अब यहाँ पे एक और इफ का फंक्शन चलाता हूँ, इफ डॉलर इमेज सॉरी एम्प्टी ना हो डॉलर अप इमेज। जब डॉलर अप इमेज एम्प्टी नहीं होगा तो फिर इसके अंदर ये हम क्यूरी चलाएंगे, ठीक है। अब ये इस तरीके से हमने ये फंक्शनैलिटी ऐड की है, बस अब रहेगी अपडेट की क्यूरी। तो अपडेट की क्यूरी के लिए यहाँ पर हमने फंक्शनैलिटी यहाँ पे क्यूरी जो है वो लगानी है। यहाँ पर पहले इनके नेम चेंज कर लेते हैं, इंसर्ट की जगह पर अपडेट लिख देता हूँ और यहाँ पर भी आकर अप इमेज पाथ जो है वो अप इमेज का क्रिएट होगा और यहाँ पर भी वैल्यू जो है अप पाथ आएगा, सॉरी ये पाथ जो है वो पाथ में रहने दो, अप इमेज पाथ टीएमपी, टीएमपी की जगह पर अप टीएमपी आएगा, अप टीएमपी, ठीक हो गया। पाथ और डॉलर पाथ, ये हमारा सारा फंक्शनैलिटी अब सही हो गई है। अब इसके अंदर हम क्यूरी भी लगा लेते हैं, तो क्यूरी कहाँ से लेकर आएंगे, अपडेट की क्यूरी किधर गई हमारी, यहाँ पे क्यूरी लगेगी। अब यहाँ पर अपडेट की क्यूरी लिखते हैं, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, जस्ट अपडेट पोस्ट, यहाँ पर सेट कर दो वैल्यूज टाइटल के अंदर
वैल्यू का सेट कर दो डॉलर अप टाइटल, ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद टाइटल के बाद क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर आपके पास वैल्यूज होंगी टाइटल के बाद ऑथर, ऑथर इसका हमने चेंज नहीं करना, सो ऑथर वैसे का वैसा ही रहेगा, ऑथर इमेज भी हमने चेंज नहीं करना, हाँ इमेज हमने चेंज करना है, तो इमेज की जगह पर क्या आ जाएगा डॉलर अप इमेज, ठीक है, और यहाँ पर फिर कॉमा डाल के इमेज के बाद हमारा आएगा कैटेगरीज, और कैटेगरीज में हमारे पास आ जाएगी वैल्यू डॉलर अप कैटेगरीज, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कैटेगरीज के बाद हमने क्या ऐड करवाना है टैग्स, और टैग्स के लिए भी हमारे पास डॉलर अप टैग्स आएगी वैल्यू, और उसके बाद पोस्ट डाटा यहाँ पर कॉमा लगा कर डॉलर पोस्ट डाटा के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दूंगा मैं डॉलर अप पोस्ट डाटा, और लास्ट पे स्टेटस रह जाएगा, स्टेटस में वैल्यू आ जाएगी डॉलर अप स्टेटस। सेव कर लेते हैं इसको, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारे ये वर्क भी कर रहा है या कि नहीं कर रहा, तो इसके लिए यहाँ पर आता हूँ और देख लेते हैं यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, नहीं एरर फिलहाल कोई नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेयर आर सम ऑफ माई विजिटिंग कार्ड्स लिस्ट हेलो, ठीक है, और अपडेट करता हूँ इसको अगर, तो कोई मसला वगैरह तो नहीं आ रहा, पोस्ट हैज बिन एडिट, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं आई, यहाँ पर डाटा आ रहा है इसका मतलब। अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी और ऐड करवा देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट हैज़ नॉट बिन एडिट नहीं लिखना बल्कि पोस्ट हैज़ नॉट बिन अपडेटेड का मैसेज आए डेटेड, और यहाँ पर भी मैं पोस्ट हैज़ बिन अपडेटेड का मैसेज आए, और यहाँ पर इसके बिल्कुल यहाँ पर हेडर के फंक्शन के साथ लोकेशन, सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर लोकेशन एडिट डेट पोस्ट डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क एडिट वैल्यू के आगे यहाँ पर डॉलर एडिट आईडी, यहाँ पे डबल कोट्स लगानी है, ये कोड यहाँ पर ख़त्म हो गई है कोड्स यहाँ पर, ठीक है, सेव करके यहाँ पे इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर अब हेलो के आगे जी लिखते हैं, अगर मैं ऐसे लिख कर इसको सेव करता हूँ अपडेट पोस्ट तो क्या होता है, तो यहाँ पे हेलो जी भी आ गया, इसका मतलब डाटा अपडेट हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ डाटा अपडेट करके देख लेते हैं, सो अपडेट करके यहाँ पे लिखता हूँ बाबर स्पेस देकर, और अपडेट करते हैं इसको, तो ये भी अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, सो यहाँ पे ये भी अपडेट हो गया, इसका मतलब ये भी डाटा इसमें स्टोर हो रहा है, और यहाँ से देख लेते हैं इसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, इसकी मैं अगर कैटेगरी चेंज करके अपडेट कर देता हूँ तो ये भी वर्क कर रहा है, पब्लिश इसको ड्राफ्ट में करके तो इसको अपडेट करता हूँ तो ये भी चेंज हो गया है, अगर ये सारी टैग जो है वो ख़त्म करके तो अपडेट करता हूँ फिर तो ये भी सही वर्क कर रहा है। यहाँ पे आके अपनी ऑल पोस्ट में इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये सारों को चेंज कर रहा है, यहाँ पर एक एरर आ गया है, वो क्या आ गया एरर, हाँ यहाँ पर एक एरर ये था कि मैंने अपडेट सारी पोस्ट को कर दिया, यहाँ पे मैं लिखना था अपडेट पोस्ट वेयर, वेयर लिखा ही नहीं मैंने, वेयर आईडी आईडी बराबर हो डॉलर एडिट आईडी के, यहाँ पे जो हमने वेयर आईडी लगाई है ये कट कर लेता हूँ, ये यहाँ पर नहीं आनी बल्कि ये लास्ट पर यहाँ पर आकर लगा देते हैं वेयर आईडी इज इक्वल टू इसके, अब सेव करके यहाँ पे चेक करते हैं, और यहाँ पर आते हैं अगेन, और अब यहाँ पर कुछ एडिट करते हैं, जैसे कि इमेज यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, बाकियों का इमेज जो है वो बनिस्बत इसके थोड़ा सा चेंज है, तो सेव कर अपडेट करते हैं, तो ये अपडेट हो गया है, अब यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं ऑल पोस्ट में इसका इमेज चेंज हो चुका है, और यहाँ पर भी आकर
चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नो पोस्ट अवेलेबल। वो क्यों? अच्छा सर सॉरी, यहाँ पे सारी जो है वो ड्राफ्ट में चले गई हैं, वो इस वजह से। अगर मैं सबको पब्लिश कर लेता हूँ तो यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास सारी पोस्ट आ जाएंगी। लेकिन मसला ये आया है कि हमने एक ही दफ़ा में सारों को चेंज कर दिया था, तो सब में एक ही डाटा आ गया। मैं वहाँ पे पोस्ट आईडी देना भूल गया था, उसने सबको ही अपडेट कर दिया। तो सबके लिए हमने अपडेशन नहीं लगानी थी, लास्ट पे वो आईडी भी देनी थी। अब जब हम इसमें से किसी को भी एडिट करेंगे, मिसाल तौर पर इसको एडिट करते हैं, इसकी कैटेगरी को है मैं नदीम कर देता हूँ या बाबर्स कर देता हूँ कैटेगरी में, और पब्लिश रहने देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ बाबर। और यहाँ पे ब्राउज में जाके इसकी कोई और इमेज लगा लेते हैं, अगर मिसाल तौर पर ये वाला कार्ड लगा लेते हैं, और इसकी यहाँ पर मैं पूरा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर मोहम्मद बाबर, और इसकी डिटेल भी यहाँ चेक कर लेता हूँ, माई न्यू पोस्ट। और अपडेट करते हैं इसको, क्या चेंजिंग होती है, माई न्यू पोस्ट। और यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं, ये चेंज हो गई, माई न्यू पोस्ट आ गया, टाइम तो ठीक है, कैटेगरी चेंज हो गई, पब्लिश में है, तो ये सारा कुछ इसने चेंज कर लिया। और इसकी डिटेल भी चेक कर लेते हैं, क्या वो चेंज हुई है, यहाँ पर आकर, या यहाँ पर आकर मोहम्मद बाबर। इसका मतलब ये अभी ये वर्किंग कर रहा है और अपडेट भी इजीली हो रहा है। सो हमारा अब एडिट पोस्ट का भी पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब इंडेक्स के ऊपर हमने काम करना है। सो इंडेक्स के ऊपर जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में से स्टार्ट करेंगे इंडेक्स के ऊपर काम करना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।